बिहार में लगातार भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी तरह बिहार के अररिया जिले के विधानसभा क्षेत्र में जो है एक मुद्दे का मामला सामने आया और हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण आयोग से जानते कैसे ये जैसे जैसे हसन था तो गिट्टी और बालू से दोनों जमीन पे आ रहा था। तो ये सिस्टम है, ये जो सरकार का जो भ्रष्टाचार का तंत्र है जिसका इसका जो विभाग के लोग पूरा लूट खसोट कर रहे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से बताने के लिए चाह रहे हैं इसकी जाँच हो और रोड का गुणवत्ता आप देख सकते हैं, आप देखिए ना रोड का श्रीमान गुणवत्ता देख लीजिए और 5-6 साल में रोड अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ का। ये हम लोग की पैसा है आप लोगों के माध्यम से हम यही कहेंगे कि 5-6 रोज में हम लोग का ये रोड का यातायात चालू हो जाए, नहीं तो हम लोग पूरा ग्रामीण भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज विश्वास, यहाँ के जनप्रतिनिधि अध्यक्ष सत्या। हमारे साथ और लोग हैं। ये पुल कब टूटा और कब बना था? ये पुल बनी थी रोड के साथ ही वर्ष 2017 के अनुसार प्राकलन के अनुसार नहीं बनाने के चलते जैसे बालू मिट्टी देकर के रात में ज़्यादातर पुल का काम ठेकेदारों के द्वारा करवाया गया और पुल काफ़ी कमजोर थी और यहाँ से परवान की जो पानी आती है उनके दबाव के कारण एक पुल तो 2018 में ही ध्वस्त हो गया बड़ी पुल मजबूत का। तो इसके बाद ये पूरा वैलिगेट हो गया और विभाग में बार बार जो है जनप्रतिनिधि के द्वारा जानकारी दी गई लेकिन कभी भी इन रोड का पदाधिकारी लोग पहुँचते हैं SDO साहब या जी साहब कोई पदाधिकारी इनका देखभाल नहीं की। इस परिस्थिति में इस बार पानी के दबाव में ये रोड बह करके चला गया और ये रोड अमहारा से लेकर के रंगभा मजबा बरेबा गोपालपुर मुसहरी बलई पोटिया धुमगढ़ इत्यादि गाँव को ये जोड़ते हैं जिससे इस रोड होकर के हम लोग का अमहारा एक छोटा मोटा मुख्य मार्केट है हम लोग का जहाँ से हम लोग अपना घर परिवार के लिए जो भी सामान की जरूरत होता है कपड़ा लत्ता दवाई पंचायत ये आपको एक नंबर में हमारा है, दूसरा यहाँ खैरखा है, तीसरा इधर मझुआ है, चौथा यहाँ पोटिया है, इतना पंचायत को ये मार्ग जोड़ रही है। अभी तक कोई विधायक या सांसद को दिखने आए नहीं? विधायक की पहुंचे हैं ये सांसद ये बता रहे हैं चर्च की है अररिया जिला की। अरुण कुमार अररिया 10 न्यूज।